अपने समाज को जगह जगह पर रैली संगठन सम्मेलन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, यह मुंगेर शुरुआत 38 जिला में पान तांती बुनकर समाज का सम्मेलन करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए अपनी ताकत दिखाओ और अपनी पहचान बनाओ। चूंकि मेरा मानना है कि दुनिया के सभी ताले राजनीति की चाबी से खुलती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम काम शुरू किए हैं। निश्चित रूप से समाज में जब ताकत आएगी तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। इस बार भी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं और भाजपा निश्चित रूप से राज्यसभा, MLC या लोकसभा में एक एक टिकट देने का उम्मीद है। यानी उम्मीद है कि अब की आपके समाज को टिकट मिलेगा? निश्चित रूप। यदि नहीं मिले एकदम मिलेगा, कहीं शक नहीं। भाजपा के नेता है और वादा नहीं, दावा कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा ही, लेकिन जानते हैं कि इनका दावा और वादा कितना सफल होता लगता है 24 में। कुछ उम्मीद किसी पार्टी से है? सभी पार्टियों है। MLA बिहार में कहीं नहीं है, MP है, एक भी MLA पान समाज अब किधर जाएगा? कोई हमें युवा क्या सोचेगा? कोई हमें संज्ञान नहीं लेता, लेकिन हम संज्ञान दिलवाने का काम कर रहे हैं ना इस बार। हम लोग शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पे अब हम लोग जो वोट करते हैं, अब उस वोटिंग कैपेसिटी पता चल गया हम लोगों को। अब जो पैटर्न है वो चेंज कर दिए। अच्छा, चेंज कर दिए। हम लोग जानेंगे कि अगर जमुई में फलाने लोग को टिकट मिल गया कि जिस पार्टी से मिल गया, हम लोग ये जानेंगे कि कटिहार में जिस पार्टी से जिस किसी प्रत्याशी को टिकट मिल गया, तो हम लोग पूरे बिहार में एकजुट होकर उधर मतदान कर देंगे। यानी अब पान समाज एक यूनिटी बना लिया है। यूनिटी सब लोग 24 में, सब लोग हमारी माताएं बहने, हमारे भाई बंधु, चचा, भतीजा, मौसा, सब लोग अच्छा इस मुद्दे पे, इस मामले पे सब एकजुट है, मन में बैठाए रखा है। हमर जात के जे टिकट देता समझ ले पूरे बिहार में वोट ओकरे करबो। क्या नाम है? मैं तारणी ताती। क्यों रैली कर रहे हैं, क्यों बैठक कर रहे हैं? पान समाज को राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए और उसके लिए हम लोग पान समाज के जितने भी भाई बंधु है पुरजोर ताकत लगा करके रैली के माध्यम से, बैठक के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुझे पान समाज को राजनीतिक में भागीदारी चाहिए, तो चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो मैं आंदोलन कर दूंगा, बैठक कर दूंगा। सरकार कहता है कि पान समाज बिना पेंदी के लोटा है। पान समाज ने वो कद है, किसी को रसातल में भेजना चाहेगा तो उनको रसातल में भेज दिया जाएगा और किसी को आसमान में दिखाना चाहेगा तो उनको आसमान में दिखाने का औकात रखता है पान समाज। कर रहे हैं सरकार से रिक्वेस्ट की बात नहीं है ये, प्रेम से बोलना रिक्वेस्ट नहीं होता, मतलब प्रेम से बोल दिया तो ये रिक्वेस्ट ही नहीं हो गया। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग जन आंदोलन में उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे, युवा है, युवा शक्ति दिखाएंगे। हम लोग को भी एक मौका देना चाहिए। अच्छा, युवा शक्ति है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो लड़के लेंगे, ऐसा तो हम परिस्थिति पैदा कर देंगे कि उनको देना पड़ेगा। हाँ, जी झुका दीजिएगा जी, अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये मेरा पहला सम्मेलन है। अच्छा, इसमें 150 से 200 आदमी आए, लेकिन आने वाला समय में 2000 भी हो सकता है। हाँ, जी यानी आग लग गया है, आग लग गया है, गाड़ी जी घी डालेंगे भी। अच्छा, घी भी डालेंगे, बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए हम लोग को, नहीं मिलेगा तो छिड़के लेंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब पान समाज में आग भर गया है। जी जी जी, क्या नहीं देगा लड़के, क्या कीजिएगा? लड़के लेंगे, बोल रहे हैं। नहीं देगा तब क्या कीजिएगा? लड़ेंगे, उसके लिए युद्ध छेड़ेंगे। हाँ, उनको लाचार करेंगे, उनको विवश करेंगे। हाँ, उसकी मनोकामना को हम रद्द कर देंगे। अच्छा, हम जो सोचेंगे वही करना पड़ेगा उसको। हाँ, नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं PM बिहार न्यूज। अभी मैं बिहार के मुंगेर जिला में हूँ और यहाँ पर भाजपा के नेता प्रवीण दासताती है और ये अपने समाज को जगाने का प्रयास किए। आप जानते हैं कि सत्ता में जिसका अधिकार होता है वही विकास करता है और ये अपने समाज के विकास के रूप में जगह जगह पर सम्मेलन बैठक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि आपका पर्पस क्या है और क्या लगता है कि 2024 में आपके समाज के हित में सरकार कदम उठाए, अधिक कदम नहीं उठाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? प्रवीण दासताती, निवर्तमान प्रदेश मंत्री BJP बिहार और अनुसूचित जाति मोर्चा के भाजपा के प्रभारी बिहार प्रदेश। भाजपा के नेता हैं, अपने समाज को जगह जगह पर रैली संगठन सम्मेलन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, यह मुंगेर शुरुआत
अड़तीस जिला में पान तांती बुनकर समाज का सम्मेलन करेंगे और लोगों को जगाएंगे कि सत्ता में हिस्सेदारी लेने के लिए अपनी ताकत दिखाओ और अपनी पहचान बनाओ। चूंकि मेरा मानना है कि दुनिया के सभी ताले राजनीति की चाबी से खुलती है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम काम शुरू किए हैं। निश्चित रूप से समाज में जब ताकत आएगी तो सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। इस बार भी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं और भाजपा निश्चित रूप से राज्यसभा, MLC या लोकसभा में एक एक टिकट देने का उम्मीद है। यानी उम्मीद है कि अब की आपके समाज को टिकट मिलेगा? निश्चित रूप से। यदि नहीं मिले? एकदम मिलेगा, कहीं शक नहीं। भाजपा के नेता है और वादा नहीं, दावा कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा ही, लेकिन जानते हैं कि इनका दावा और वादा कितना सफल होता है। मेरे साथ बात करने के लिए पांच समाज का युवा है, क्या नाम है? विष्णु कुमार। क्या कहिएगा विष्णु जी? बस हम लोग यही चाहते हैं मोदी सरकार से, जो कि हमारे जाति को जो है कि कहीं एक जगह स्थान मिले। अच्छा, बस हम लोग यही जो है उम्मीद लगाए हुए हैं। क्या नाम है बाबा? गिरिजा शंकर नलिन। क्या कहिएगा अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए? केगो MP है, केगो MLA है? एकत्रित हो ताकि MLA MP पंचायत से लेके लोकसभा तक हम लोग जाएं और पहुंचे और समाज के विकास के लिए सारा कार्य करें। आपका क्या नाम है? आइए इधर। अखिलेश्वर ताते। क्या कहिएगा अखिलेश्वर जी? हमारे जाति को अगर भागीदारी नहीं मिली सत्ता में तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा। जो हमारे जाति को पूछेगा मैं उनको ही वोट दूंगा। ये तय है, जो टिकट देगा उसी को वोट। बिल्कुल बिल्कुल, जो टिकट देंगे मैं उन्ही को समर्थन करूंगा। ये हमारे जाति का अपना सोच है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। युवा हैं विकास जी, पान समाज क्या कीजिएगा 2024 में? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि हम लोगों को भी सत्ता में भागीदारी दें और हम लोग भी हमारे जो कुचले दबे हम जाति से आते हैं इनको भी उठने का सवरने का मौका मिले। कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से? रिक्वेस्ट की बात नहीं है, ये प्रेम प्रेम से बोलना रिक्वेस्ट नहीं होता। मतलब प्रेम से बोल दिया तो ये रिक्वेस्ट ही नहीं हो गया। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर अधिकार नहीं मिला तो हम लोग जन आंदोलन में उतरेंगे और जन आंदोलन करेंगे। युवा है, युवा शक्ति दिखाएंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम जीतू है। क्या कहिएगा जीतू जी? हम पूरा सम्मेलन करा रहे हैं जी। क्यों? ताती जाति को तो आज तक विलुप्त रखा गया है। अच्छा, राजनीति से तो राजनीति होना चाहिए ऐसा कि हम लोग को भी एक मौका देना चाहिए। अच्छा, युवा शक्ति है, नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो लड़के लेंगे। ऐसा तो हम परिस्थिति पैदा कर देंगे कि उनको देना पड़ेगा। हाँ, जी झुका दीजिएगा जी। अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये मेरा पहला सम्मेलन है। अच्छा, इसमें 150 से 200 आदमी आए, लेकिन आने वाला समय में 2000 भी हो सकता है। हाँ, जी यानी आग लग गया है। आग लग गया है जी। घी डालेंगे भी? अच्छा, घी भी डालेंगे? घी भी डालिए जी। क्या नाम है? मैं तारणी ताती। क्यों रैली कर रहे हैं, क्यों बैठक कर रहे हैं? पान समाज को राजनीतिक में हिस्सेदारी चाहिए और उसके लिए हम लोग पान समाज के जितने भी भाई बंधु हैं पुरजोर ताकत लगा करके रैली के माध्यम से, बैठक के माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि मुझे पान समाज को राजनीतिक में भागीदारी चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं दीजिएगा तो मैं आंदोलन कर दूंगा। आंदोलन, बैठक कर दूंगा। हाँ, बैठक कर दूंगा। सरकार कहता है कि पान समझ बिना पेंदी का लोटा है। पान समझ ले वो औकात है, किसी को रसातल में भेजना चाहेगा तो उनको रसातल में भेज दिया जाएगा और किसी को आसमान में बैठाना चाहेगा तो उनको आसमान में बैठाने का औकात रखता है पान समाज। आप तो बटल है, बटल है, जगाने का काम नहीं। इसमें क्या लगता है? जगाने का काम कर रहा हूँ और एकजुट होकर के लोग जाग रहा है और पूरा जग जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? और मिल्की चक से आए हैं, जनार्दन प्रसाद नाम है। अच्छा, तब क्या लगता है 24 में कुछ? 24 में तो बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ,
जग चुका है। यदि तांती को अधिक भागीदारी नहीं मिला राजनीतिक में तो दूध को फाड़ने का काम जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल फाड़ने का काम। हाँ फाड़ भी चुके हैं, पता है सरकार को, समझ गए हैं। जमालपुर में फाड़ दिया है दूध, दूध दूध को फाड़ दिया है तांती। नींबू डाल देंगे। हाँ जी हाँ, चलिए देखिए नाम है बाबा। मेरा नाम रामोतार पान है। पान समाज। हाँ आप के गो एमपी, के गो एमएलए, के गो एमपी? एमपी तो एक भी नहीं है। काहे है? काहे नहीं है? इसलिए हम लोग अभी थोड़ा सा मैंने बिखरे हुए हैं। अच्छा तब 24 में? 24 में सब एक सूत्र में बन जाएंगे। नहीं बनिएगा तब? बन नहीं बनिएगा तब? बनना होगा। अच्छा हाँ, और युवाओं से क्या कहिएगा? आप बुजुर्ग हैं, युवा से क्या कहिएगा? पान समाज के युवा से? पान समाज के युवा से यही कहेंगे कि हर कीमत पर हर हर तरह से हर दृष्टिकोण से तुमको एकत्र होना है, एक सूत्र में बनना। क्या नाम है? अमिताभ कश्यप। अमिताभ कश्यप जी क्या कहेंगे? पान समाज से हैं आप। हाँ। क्या लगता है कि 2024 और 25 में मौका मिलेगी आपकी जाति को? हम लोग तो भरपूर प्रयासरत रहते हैं, चाहे किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी पंचायत, किसी भी वार्ड से, कहीं से भी हो, जो जिस परिस्थिति में आता है रहता है, सब पहुंचता है कि हमारी बात आज होगी, पता चला कि हाँ पान जाति का मामला कुछ है, पहुँच गया बंदा सिनेमा हॉल। हाँ तब क्या लगता है 24 में कुछ उम्मीद किसी पार्टी से है? सभी पार्टियों से? सभी पार्टियों से है। क्या एमएलए बिहार में? कहीं नहीं है। एमपी है? एक भी एमपी नहीं। पान समाज अब किधर जाएगा? कोई हमें युवा क्या सोचेगा? कोई हमें संज्ञान नहीं लेता, लेकिन हम संज्ञान दिलवाने का काम कर रहे हैं ना इस बार। हम लोग शीर्ष नेतृत्व के दिशा निर्देश पे अब हम लोग जो वोट करते हैं, अब उस वोटिंग कैपेसिटी पता चल गया हम लोगों को, अब जो पैटर्न है वो चेंज कर दिए। अच्छा चेंज कर दिए। हम लोग जानेंगे कि अगर जमुई में फलाने लोग को टिकट मिल गया, कि जिस पार्टी से मिल गया, हम लोग ये जानेंगे कि कटिहार में जिस पार्टी से जिस किसी प्रत्याशी को टिकट मिल गया, तो हम लोग पूरे बिहार में एकजुट होकर उधर मतदान कर देंगे। यानी आप पान समाज एक यूनिटी बना लिया है। यूनिटी सब लोग 24 में, सब लोग हमारी माताएं बहने, हमारे भाई बंधु, चचा भतीजा, मौसा, सब लोग अच्छा इस मुद्दे पे, इस मामले पे सब एकजुट है, एकजुट मन में, मन में बैठाए रखा है कि हमर जात के जे टिकट देता समझ ले पूरे बिहार में वोट ओकरे करबो। हाँ हाँ देखिए क्या क्या लगता है पान समाज को अब की क्या उत्थान होगा 2024 में? युवा जग रहा है और युवा शक्ति भारत का नेतृत्व करेगी, और अब एक एकजुट होकर के पान समाज के लोग अपने उम्मीदवार को लड़ेंगे, और बीजेपी से, राज्य बीजेपी और जो भी संगठन है उनसे ये हमारा मांग है कि भाई हमारे समाज में भी, हमारे समाज से भी युवा लोगों को मौका दिया जाए जो कि वो आगे बढ़े। चलिए आप क्या कहेंगे चचा? हम कहेंगे कि हमारे पान जाति जो है एक सूत्र बिल्कुल बन चुका है, सिर्फ उसमें पाक देने की आवश्यकता है। अच्छा, और हम जब पाक देंगे तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। नहीं देगा तो? बिल्कुल देगा, नहीं देगा लड़के क्या कीजिएगा? लड़के लेंगे बोल रहे हैं। नहीं देगा तब क्या कीजिएगा? लड़ेंगे, उसके लिए युद्ध छेड़ेंगे। हाँ। उनको लाचार करेंगे, उनको विवश करेंगे। हाँ। उसकी मनोकामना को हम रद्द कर देंगे। अच्छा, हम जो सोचेंगे वही करना पड़ेगा उसको। हाँ। इस बार जो बिहार की सरकार ने जाति जनगणना किया है, इस जाति गणना करके हमको जीने का अधिकार सिखा दे, हमको अधिकार कैसे लेना है, कितने प्रतिशत हमको मिलेगा, इस भावना से इस बार हम लोग इकट्ठा हुए हैं। पुष्टि करता है कि हमारा जो स्वजातीय संगठन है निश्चित तौर पर मौजूद है और रहेगा। चलिए क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? राजन कुमार। तब पान समाज जी जी जी, चिंगारी तो हमने लगा दिया है, अब देखिए रिजल्ट कब तक आता है। अच्छा जी, 25 में मौका, 24 में मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, मिलना चाहिए हम लोग को, नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे। बिल्कुल, मतलब पान समाज में आग भर गया है। जी जी जी, क्या क्या कहेंगे? क्या नाम है? संजय कुमार। संजय कुमार जी, पान समाज जी, तब 24 में? हाँ जी एकदम ओके। के गो एमपी? पांच गो। पांच गो जी। अभी है के गो? अभी नहीं है, होगा, इनका तैयारी हो रहा है जोर शोर से। हाँ जी, तैयारी में लग गए हैं जी। क्या नाम है आपका? चिंगारी भड़क चुका है, छोटू कुमार मेरा नाम है। अच्छा, चिंगारी भड़क चुका है, कहाँ आग लगाना है? लगबे करेगा देखिए। हाँ, 24 में? 24 में। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, पान समाज का युवा है, उन्होंने आज बैठक सम्मेलन किया और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 24 में चिंगारी लगा दिए हैं और 24 में जो पार्टी हमारी, हम बात करेगी, जो पार्टी हमें टिकट देगी वोट उसी को जाएगा। ये तमाम बातें सुन रहे थे, तो देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।